नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरों में, श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित 19 वर्ष से कम आयु वर्ग की राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में आज पिथौरागढ़ की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए देहरादून की टीम को 2-1 से परास्त कर प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। जिले की टीम के शानदार प्रदर्शन को लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार जुकरिया, जिला खेल समन्वयक विक्रम टिगारी सहित अन्य कर्मियों ने खुशी व्यक्त करते हुए टीम के खिलाड़ियों सहित कोच मनोज वर्मा व राजेश धामी को शुभकामनाएं दी हैं। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल मूनाकोट के तत्वावधान में आयोजित विकास खंड स्तरीय 3 दिवसीय खेल महाकुंभ के अंतर्गत 17 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालक व बालिकाओं की दूसरे दिवस विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला युवा कल्याण अधिकारी धीरेन्द्रनाथ द्विवेदी, सामाजिक कार्यकर्ता जीत गुरंग, खेल समन्वयक अर्जुन कुमार द्वारा संयुक्त रूप से किया। आज आयोजित हुई प्रतियोगिताओं के 3000 मीटर दौड़ बालक वर्ग में जीवन सिंह सोन, 1500 में जीवन सिंह, 800 मीटर में गोपाल सिंह, 400 मीटर में सागर शर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग खो खो में मरसूली व बालक वर्ग कबड्डी में गौड़ीहाट की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पिथौरागढ़ के मुख्य डाकघर परिसर में आज ग्रामीण डाक सेवकों ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान ग्रामीण डाक सेवकों ने मंडली सचिव चंदन सिंह बिष्ट व संघ के अध्यक्ष भास्कर सिंह धामी के नेतृत्व में एक पत्र चीफ पोस्टमास्टर जनरल परिमंडल देहरादून को प्रेषित कर शीघ्र मांगों को लेकर सकारात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आगामी 8 नवंबर को खंड विकास कार्यालय डीडीहाट में बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव व सीनियर सिविल जज विभा यादव ने बताया कि शिविर के दौरान पात्र व्यक्तियों को शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने की कार्रवाई की जाएगी और विभिन्न विभागों के प्रमाण पत्रों व प्रपत्रों को जारी करने के लिए पंजीकरण करने की कार्रवाई करने के साथ ही महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियाँ दी जाएंगी। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से शिविर का लाभ उठाने की अपील की है। पिथौरागढ़ के लोक निर्माण विभाग कार्यालय परिसर में बीते 4 दिनों से अशोकनगर बलतड़ी सड़क निर्माण की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन आज शुक्रवार को भी जारी रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए सड़क निर्माण को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई न होने पर आक्रोश व्यक्त किया। आज ग्रामीणों की मांग को जायज बताते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देखिए, अशोकनगर बेलतड़ी मोटर मार्ग मात्र 2 किलोमीटर 2012 में स्वीकृत भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और आज भी बेलतड़ी और उसके अन्य गांव मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं। शहीदों के गांव ये शर्मसार कर दिया है इन्होंने। और जिस तरह से आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय मयूर महर्जी ने, विधायक जी ने कहा है, उन्होंने अपनी इस लड़ाई को अपने हाथ में लिया है, इस सड़क जरूर बनेगी। सीमांत जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में ततैयों के आतंक से लोग दहशत में हैं। ततैयों के हमले में घायल एक व्यक्ति ने शुक्रवार को अस्पताल लाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। इधर कनालीचीना के सुरौली में भी एक व्यक्ति को ततैयों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसका उपचार हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार झूलाघाट के भटेड़ी गाँव में बीते बुधवार को नेपाल डोटी निवासी हरिवान काम कर रहा था। इस दौरान अचानक ततैयों के झुंड ने उस पर हमला कर उसे गंभीर घायल कर दिया। घायल हरिवान अपने कमरे में दवाइयां ले रहा था, पर उसकी हालत लगातार बिगड़ते जा रही थी, जिसे देखा आज ग्राम प्रधान मंजू देवी, नरेंद्र सिंह व अन्य ग्रामीण उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल ला रहे थे, पर अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही नेपाली युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर पुलिस टीम स्थल के लिए रवाना हो गई थी। ग्राम प्रधान सहित ग्रामीणों ने शीघ्र ततैयों के आतंक से निजात दिलाए जाने की मांग की है। आज भी युवक की मौत के बाद जिले में ततैयों के हमले से 3री मौत हो गई। इधर कनालीचिना के सुरौली गांव में भी ततैयों ने हमला कर एक व्यक्ति राजेंद्र सिंह को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसका उपचार हल्द्वानी के निजी अस्पताल में चल रहा है। कनालीचिना व्यापार संघ अध्यक्ष रवि सिरौला सहित क्षेत्रवासियों ने शीघ्र वन विभाग से ततैयों के आतंक से निजात दिलाए जाने की मांग की है। सिरौला ने बताया कि गांव के निकट ततैयों ने छत्ता बनाया है और इसी मार्ग से छोटे बच्चों सहित अन्य लोग प्रतिदिन आवाजाही करते हैं, जिस कारण ग्रामीणों के लिए भी खतरा बना हुआ है। विभाग को सूचित करने के बाद भी अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने शीघ्र उचित कार्रवाई न होने पर क्षेत्रवासियों के साथ उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जैसा कि बीते दिन
ग्राम सिरोली निवासी राजेंद्र सिंह दिगारी जी को बुरी तरह तथैया जिसको, और हमने उसी दिन तत्काल वन विभाग को भी सूचित कर दिया, द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। तो रोज छोटे छोटे बच्चे मीन जो हमारा सिरोली संपर्क मार्ग है वहाँ से पैदल जाते हैं, तो उन पे भी काफ़ी ज़्यादा खतरा बना हुआ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।